कस्बा शेरगढ़ में हर्षोल्लास के साथ बड़ी धूमधाम से निकाली गई श्री महाराजा अग्रसेन जी की शोभा यात्रा। कस्बा शेरगढ़ में श्री महाराजा अग्रसेन शोभा यात्रा। इस शोभा यात्रा के संदर्भ में अग्रवाल समाज के अध्यक्ष महेश कुमार गोयल ने बताया कि हमारी इस शोभा यात्रा में 101 महिलाओं के द्वारा कलश यात्रा बड़ी धूमधाम के साथ निकाली गई। यह शोभा यात्रा प्राचीन श्री गोपीनाथ जी मंदिर से चलकर मेन बाजारों में होती हुई निकाली गई। शोभा यात्रा का जैन समाज एवं ब्राह्मण समाज और जाटव समाज के लोगों ने जगह जगह शोभा यात्रा का फूल बरसाकर एवं दुपट्टा उड़ाकर भव्य स्वागत किया। शोभा यात्रा में बग्गियों में 18 राजकुमार एवं काली माँ का खेलता हुआ रौद्र स्वरूप एवं लक्ष्मी माँ का डोला तथा श्री अग्रसेन महाराज का डोला एवं कई तरह के बैंड शोभा यात्रा का आकर्षण रहे। शोभा यात्रा का समापन श्री महाराजा अग्रसेन सेवा सदन में एक सभा के रूप में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में दीप प्रज्वलित कर बांकेलाल गर्ग महामंत्री व्यापार मंडल ने किया एवं संचालन मयंक जैन एडवोकेट एवं श्याम सुंदर गोयल के द्वारा किया गया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि अनिल कुमार अग्रवाल एमजी इंडस्ट्रीज, समाज सेवी हेम कुमार गोयल फरीदाबाद, कन्हैयालाल गोयल भाजपा जिला कोषाध्यक्ष गोविंद गोयल मौजूद रहे। इस मौके पर अग्रवाल समाज कमेटी एवं अग्रसेन सेवा मंडल अग्रवाल सेवा समिति द्वारा सभी अतिथियों का दुपट्टा उड़ाकर एवं स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया गया तथा अग्रवाल सभा द्वारा सभी अग्रबंधुओं को भोजन कराकर कार्यक्रम का समापन किया गया। अग्रवाल समाज द्वारा कपिल गर्ग पत्रकार को मीडिया प्रभारी बनाया गया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेश कुमार गोयल, अध्यक्ष अग्रवाल समाज सेवा। जो अग्रवाल समाज द्वारा जो प्रोग्राम हुआ उसके बारे में बताएं। आज हमारे कस्बा शेरगढ़ में बड़े ही धूमधाम से महाराज अग्रसेन जयंती महोत्सव मनाया जा रहा है जो कि अब समापन की ओर चला है, जो कि गोपीनाथ मंदिर से प्रारंभ होकर के मेन बाजार होते हुए हमारी अग्रसेन सेवा सदन धर्मशाला पर पहुंचा है। वहाँ पर सभी आए हुए अतिथि कमलेश गोयल जी एवं अनिल प्रधान जी एवं हेम कुमार गोयल जी और बाहर से आई हुई सरदारी सभी का सम्मान किया गया है और सभी को स्मृति चिन्ह दिए गए हैं और कलश यात्रा निकाली गई थी। उसमें भी काफ़ी संख्या में मातृशक्ति ने भाग लिया। मैं आभारी हूँ सभी समाज का, उसमें पूरा सहयोग किया।